Hello everyone. So in this video, we'll be learning how to handle the missing values. So let's first of all understand what is a missing value. Missing value का मतलब होता है कि हमारा डाटा फ्रेम है लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वैल्यू मिस हो रही है. अब वो वैल्यू बहुत अलग अलग रीजंस हैं जिनकी वजह से मिस हो सकती है, और अगर वैल्यू मिसिंग आ रही है तो हमारा जो एनालिसिस है डाटा का वो उसमें एरर आ सकता है. एरर नहीं, हम बोलेंगे आपका डाटा का आउटपुट गलत आ सकता है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स थ्योरी फर्स्ट एंड देन वी विल सी प्रैक्टिकली हाउ वी कैन हैंडल द मिसिंग वैल्यूज. सो डाटा फ्रेम कैन कंसिस्ट ऑफ मैनी रोज वेयर ईच रो कैन हैव वैल्यूज ऑफ वेरियस द कॉलम्स. नाउ इफ अ कॉलम इफ अ वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ कॉलम इज नॉट प्रेजेंट so it is considered to be missing a value. A missing value is denoted by this capital N, small a, then n, that is not a number. तो missing value जो होती है python के अंदर वो n a n से denote होती है. Now in the real world data set, it is common for an object to have some missing attributes. There may be several reasons for that. In some cases data was not collected properly, रिजल्टिंग इन मिसिंग डाटा. कई बार हम जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने डाटा प्रॉपरली लिया नहीं, उसकी वजह से वहाँ पे वो डाटा फिल नहीं हो पा रहा है. या कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, जैसे कोई सर्वे हुआ, उस सर्वे ने लोगों ने प्रॉपरली कोई फील्ड खाली छोड़ दी, भरी नहीं है. समटाइम्स सम एट्रीब्यूट आर नॉट रेलिवेंट एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, अगर वहाँ पे सैलरी का कॉलम है और वो फिल कर रहा है, कोई भी सर्वे फॉर्म है उससे पूछा जाता है आप कितनी सैलरी दे रहे हो, तो अल्टीमेटली वो सैलरी को खाली छोड़ेगा, ही विल नॉट बी एबल टू फिल दैट कॉलम. तो बहुत सारे जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं और बहुत हमारे वैसे मिस्टेक्स भी हो सकते हैं कि जिससे हम डाटा प्रॉपर्ली ना ले पाए. सो मिसिंग वैल्यूज क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग डाटा एनालिसिस. तो डाटा एनालिसिस जब भी हम करेंगे तो मिसिंग वैल्यूज बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, बिकॉज वहां पे वो क्या प्लेस करेगा, किसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगा. सो ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं. So we need to handle the missing values properly. Now the two most common strategies for handling missing values are basically you can drop the entire object, मतलब पूरे के पूरे record को, पूरे के पूरे index वाली line को आप delete कर सकते हो जहाँ पे missing values हैं. या फिर जहाँ पे भी missing values हैं वहाँ पे आप कोई value estimate करके और वहाँ पे put कर सकते हो. Now let's take a case study that have been presented here. So if we come to this section here, now यहाँ पे इस case study में unit test 4 के भी marks इन्होंने input कर दिए. हम लोगों ने जैसे data analysis कर रहे हैं इस chapter के अंदर क्या कहते हैं statistics वाले functions हमने use किए हैं, descriptive statistics वाले function, mean, median, mode, sum, count. तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि चार बच्चे थे, उनके तीन unit test के result थे. अब इस केस स्टडी के अंदर एक फोर्थ यूनिट टेस्ट भी कंडक्ट हुआ, लेकिन उस फोर्थ यूनिट टेस्ट में रमन एब्सेंट रहा इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स एंड साइंस एंड इंग्लिश. तो तीन सब्जेक्ट में वो एब्सेंट रहा, तो उसके मार्क्स अभी नहीं इनपुट हैं, बाकी सारे बच्चों के मार्क्स डले हुए हैं. तो यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यूज हैं. तो दे इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी जो हमारे जैसे मैथ्स के टीचर हैं, तो मैथ्स के टीचर चाहते हैं कि भाई वो तीन सब्जेक्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन कर ले उसका परसेंटेज. साइंस के टीचर चाहते हैं कि नहीं, उसके यहाँ पे 19 प्लेस हो जाए और उसके बाद उसका परसेंटेज कैलकुलेट हो. लेकिन इंग्लिश के टीचर चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी प्लेस ना हो एंड जीरो प्लेस करके एंड देन शी वांट्स टू कैलकुलेट दी रिजल्ट. सो देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन एक्चुअली हैंडल द मिसिंग वैल्यूज. सो लेट्स सी दिस मिसिंग वैल्यूज इन प्रैक्टिकलिटी. विल कम टू द पाइथन शेल. यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं उधर केस स्टडी में जो डाटा था वो डाटा आप यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ पे इफ यू सी दिस, दिस इज अ एन एन वैल्यू, दिस इज ऑल्सो एन एन ए एन वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो एन 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 वैल्यू. बाकी सारी जगह डाटा फिल है, बट ओनली दीज थ्री आर योर एन एन वैल्यूज एंड ओनली रमन रिकॉर्ड जो रमन का डाटा है उसी के अंदर ये एन एन वैल्यूज हैं फॉर मैथ साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट. सो लेट्स वर्क विद दिस डाटा फ्रेम. इस डाटा फ्रेम का नाम DF है. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट फॉर यू so that we can actually learn how we can actually handle these NaN values. So first is first function is if you want to search for a missing value,
ठीक है, अगर आप सर्च करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं है, देन द फंक्शन दैट वी कैन यूज इज नल. सो इफ यू यूज इज नल फंक्शन, सिंपल इज नल, सो इट विल रिटर्न ईदर ट्रू और फॉल्स. नाउ आई एम एक्चुअली पुटिंग दिस डीएफ ऑन द एंटायर डाटा फ्रेम, सो दैट मीन्स यहाँ पे ये कोई वैल्यू एन ए नो ना, सो इट विल रिटर्न फॉल्स हियर, इट विल रिटर्न फॉल्स फॉल्स फॉल्स. जहां पे भी एन ए होगा वहीं पे सिर्फ ट्रू आएगा. लेट्स सी द आउटपुट. ओके, नाउ यू कैन सी दिस. सो हियर दी रमन्स, जो आपका ये वाला रिकॉर्ड था रमन का, इंडेक्स जिसका लेबल 3 है, इफ वी जस्ट गो अप यू कैन सी हियर इंडेक्स लेबल 3 में एन ए है, मैथ साइंस और हिंदी के अंदर. इफ वी जस्ट कम डाउन, तो यहाँ पे रमन के 3 वाले में इफ यू कैन सी दिस मैथ्स का ट्रू आ रहा है. जहां पे भी एन ए एन वैल्यू होगा वहां पे वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. ओके फाइन, सो दीज आर द 3 ट्रूज, दैट मीन्स दीज आर द प्लेसेस वेयर एन ए एन वैल्यू एक्चुअली डिड एग्जिस्ट. बट अभी एक्चुअल में मीनिंगफुल डाटा है नहीं, बिकॉज इट इज रिटर्निंग ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, बुलियन वैल्यूज वो रिटर्न कर रहा है. फाइन, सो लेट्स मूव फर्दर. इफ यू यूज डी एफ डॉट इज नल एंड अलॉन्ग, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वेदर वेदर से, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स हैव अ नल वैल्यू, सो आप एक सिंगल कॉलम के बेसिस पे भी वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो. सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग. सो यू कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट, देन अगेन अ स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन प्लेस समथिंग लाइक मैथ्स. ओके, देन जस्ट क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट, जस्ट क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट डॉट, एंड देन इज नल. सो यू कैन यूज दिस थिंग ऑल्सो. अभी तो हम लोगों ने जब डी एफ डॉट इज नल लिखा, सो आई वी हैव पुट दिस इज नल इज वर्किंग ऑन द एंटायर डाटा फ्रेम. बट वेन वी यूज डी एफ देन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट ओनली मैथ्स, देन इट विल ओनली वर्क ऑन द मैथ्स कॉलम. सो नाउ इफ आई प्रेस एंटर, सो यू कैन सी द आउटपुट हेयर. सो ओनली द मैथ्स कॉलम रिटर्न दैट फॉल्स 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 ट्रू. सो यहाँ पे जो रमन का रिकॉर्ड था उसके लिए ट्रू रिटर्न किया, बाकी सब फॉल्स. फाइन, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. यू कैन यूज मल्टीपल कॉलम नेम्स ऑल्सो एंड यू कैन चेक वेदर दैट पर्टिकुलर कॉलम डू हैव एनी एन एन वैल्यूज. ओके, नाउ अगेन इट इज नॉट टू मच मीनिंगफुल टू अस, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस डाटा फ्रेम आपको शो करते हैं. तो यहाँ पे डी एफ डॉट वेन यू यूज इज नल, ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन यूज एनी एज अ फंक्शन. तो इज नल के साथ एक एनी फंक्शन आप यूज कर सकते हो. वट दिस एनी फंक्शन विल डू इज इट विल नाउ एक्चुअली शो द नेम ऑफ द कॉलम नेम, जैसे इस कॉलम का नाम नेम है, इट विल ओनली शो नेम, एंड बिलो दैट इट विल डिस्प्ले ट्रू और फॉल्स इफ इट डू हैव एनी ऑफ द नल वैल्यूज. सो अगर इसमें से एक भी नल वैल्यू होगा देन इट विल रिटर्न ट्रू. देन इट विल शो यूटी, अगेन इट विल डिस्प्ले वेदर इज दिस यूटी डज हैव एनी नल वैल्यू, इट विल रिटर्न ईदर ट्रू और फॉल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम नाउ इट विल डिस्प्ले ट्रू और फॉल्स, नॉट ऑन द एंटायर वैल्यू. तो अब वो पूरी वैल्यू के बेसिस पे नहीं करेगा, इट विल ओनली डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम नेम्स. सो नाउ इफ आई प्रेस एंटर, you see the name column does not have any null values, so it returns false. UT does not have any null values, so it returns false. Maths mein ek null value thi Raman ki, to isliye usne true return kiya. Science mein ek null value hai, to isliye usne usko true return kiya. Okay, so science returned true, and then SST mein koi bhi null value nahi hai, Hindi mein bhi koi null value nahi hai, English mein ek null value, so it returned true again. So you can use this any along with is null. Next is you can even use one more important function. So you can use sum as a function. So if you use df dot is null, okay, and then after that if you use sum as a function, so in this case it will actually count the total number of null values in each column. Har column mein matlab name mein kitni null values hai, to abhi false hai matlab ek bhi null value nahi hai, so it will return zero. UT में एक भी नल वैल्यू नहीं है, इट विल रिटर्न जीरो. मैथ्स में एक नल वैल्यू है, सो इट विल शो वन. सो दिस इफ यू यूज द सम फंक्शन, इफ यू यूज एनी फंक्शन, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स विद ईच ऑफ द फंक्शन, ईच ऑफ द कॉलम नेम. अगर उसमें नल वैल्यू है एक भी, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और एक भी नल वैल्यू नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. जब आप सम फंक्शन यूज करते हो तो इट विल एक्चुअली काउंट द टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यू. सो इफ यू नाउ प्रेस एंटर,
सो नाउ यू कैन सी दैट नेम डज नॉट हैव एनी नल वैल्यू, नेम के अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं है तो इसने उसको जीरो रिटर्न किया, यूटी में भी एक भी नल वैल्यू नहीं है तो जीरो रिटर्न किया, मैथ्स में एक है तो वन एंड सो ऑन. एंड इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली एड द टोटल नल वैल्यूज इन द एंटायर डाटा फ्रेम, सो यू कैन यूज डी एफ डॉट इज नल डॉट सम. And then again after that if you use a sum, so that means iska jo total hai wo iska total bhi nikal dega dot sum karne se. Now if you press enter, so it actually returned there are three null values in the entire data frame. And abhi hum log pure data frame ko use kar rahe hain. Agar main ye check karna chahta hu ki hindi subject mein kya koi null value hai, to main check kar sakta hu kaise. I will write df, I will use the square brackets, I will use hindi. Okay, because now I am not working on the entire data frame, I'm only working on the Hindi. So I will use is null. Okay, and now if I just close the parenthesis and if I press enter, so abhi pura usne nikal diya. But I have not used dot any or dot sum. So I can use those things along with that. So if I use df square brackets Hindi square bracket, then just close it, dot is null. Then just put any, if you want to return either true or false, just press enter. So now it returned ki aisa ek Hindi ke andar ek bhi null value nahi hai, false aa raha hai. Theek hai, you can use sum to get the integer value, wo bata dega kitni null values hai. And to aap sum bhi aap isme use kar sakte ho, to wo zero return karega because ek bhi null value nahi hai. To hum logon ne first thing dekh li ki hum kaise check kar sakte hain ki किसी भी डाटा फ्रेम के अंदर कोई नल वैल्यू है या नहीं है. उसके लिए यू कैन यूज इज नल, इज नल के साथ वो कॉम्बिनेशन में यू कैन यूज एनी और यू कैन यूज द सम फंक्शन. सो यू कैन यूज दीज टू फंक्शंस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ आई जस्ट शो यू द डाटा फ्रेम अगेन, दिस इज योर डाटा फ्रेम. नाउ आई जस्ट कॉपी दैट डी एफ वन इंटू, मैं रमन के रिकॉर्ड्स को अलग करना चाहता हूँ, मैं रमन के रिकॉर्ड को अलग कर लेता हूँ. So I will create df raman, okay, is equal to df dot lock, then df dot name double equal to raman, just close the square bracket, just press enter, and if I show you df raman, so ye mera raman ka record ho gaya. Theek hai, so I'm not changing so this way the entire data frame will not be affected. So now let's work with this data frame only. So, यहां पे अगर मैं मान लो इस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं जहां पे एन ए एन है, जिस भी रिकॉर्ड में एन ए एन है उसको डिलीट करना चाहता हूं, देन यू कैन यूज डी एफ रमन डॉट एंड ड्रॉप एन ए एज अ फंक्शन. ठीक है, सो यू कैन यूज ड्रॉप एन ए. सो ड्रॉप एन ए के बाद इफ यू जस्ट ओपन एंड क्लोज द पैरेंथेसिस, and if you don't write that in place is equal to true, then it will not be permanent. So if to make the changes permanently, you have to specify in place is equal to true to make the changes permanent. Now if I press enter, it's a warning, it is not an error, please remember that it is not an error. And if I show you df raman, now we no longer have that, isme char lines thi, you can see that there are four records here. Theek hai, with the index label 0 1 2 3, so ye char hamare paas records hain. But when we use this drop na, so it will actually delete the entire row where the nan exists. Agar ek bhi nan yahan pe bhi hota, kisi bhi line mein hota, to us bhi line ko wo delete kar deta. So it will actually delete this entire row, to is puri line ko wo delete kar diya usne. And the output, because I have used in place is equal to true, so the changes have been made permanent into df raman. And when we see the output back again, we don't see that 3 index here, that line does not exist because that contained the nan values. So you can actually delete the entire rows where the nan values exist using the drop na function by putting that in place is equal to true if you want to make the changes permanent, agar aap permanent karna chahte ho to. Okay, नाउ अब नेक्स्ट चीज आती है कि वापस में जैसे हम लोगों ने रमन के लिए बनाया था, आई जस्ट कॉपी द सेम थिंग हियर सो दैट आई गेट बैक दोज एनियंस. सो अगर मैं आपको वापस दिखाता हूँ रमन वाला रिकॉर्ड, सो नाउ वी हैव दोज एनियन. नाउ आई डोंट वांट टू डिलीट इट,
आई वॉन्ट टू प्लेस सम वैल्यू हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू प्लेस करना चाहता हूँ. आई कैन पुट जीरो हियर, आई कैन पुट वन हियर, आई कैन पुट एनी थिंग, मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ. सो हाउ डू आई फिल इन द वैल्यूज वेयर एनी एन एग्जिस्ट, जहां जहां एनी एन है वहां पे हम कोई वैल्यू कैसे प्लेस कर सकते हैं. अगर मैं मान लो डिसाइड करता हूँ कि जहां जहां पर भी एनी एन है, यहाँ पे एनी एन है, यहाँ पे एनी एन है और एक यहाँ पे एन एन है, इन तीनों की जगह पे मैं जीरो प्लेस करना चाहता हूँ, तो हाउ डू आई डू दैट? टू डू दैट व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू कैन राइट द स्टेटमेंट डी एफ रमन डॉट, नाउ वी विल यूज अनदर फंक्शन दैट इज फिल एनी, और फिल एनी के बाद पैरेंथेसिस में यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट यू वॉन्ट टू फिल. आई एम नॉट मेकिंग द चेंजेस परमानेंटली हियर, ठीक है. I can write something like df raman equal to df raman dot fill any. Okay, so that means df raman ke andar ye changes permanent ho jayenge. Now if I just press enter and if I show you df raman, so fill any is the function that is used to fill the value inside anyens, and in the parentheses you have to put ki kaun si aapko uski jagah pe kaun si value place karni hai. ठीक है, इफ आई जस्ट शो यू डीएफ रमन, सो नाउ इंस्टेड ऑफ दोज एनएएनस, यहाँ पे एनएएनस थे, यहाँ पे एनएएन है, यहाँ पे एनएएन है और यहाँ पे एनएएन है, उन तीनों की जगह अगर आप देखोगे नाउ यू हैव दैट जीरो वैल्यू, बिकॉज वी एक्चुअली यूज दिस फिल एनए और पैरेंथेसिस में हमने जीरो यूज किया था, एंड बिकॉज वी यूज दैट इक्वल साइन और लेफ्ट साइड में डीएफ रमन, तो वो परमानेंट हो गए चेंजेस हमारे. ठीक है, सो अब इसके अलावा और भी ऐसी चीज है कि हम लोग उससे पहली वाली जो वैल्यू है वो भी फिल कर सकते हैं. तो अभी फिलहाल हम लोग वापस डीएफ पे आते हैं, ये एक मेरा डीएफ है, यहाँ पे अभी एनएएन है, ठीक है. नाउ अगर आप प्लेस करना चाहते हो जो ये एनएएन है इसमें, इससे प्रीवियस वाली रो की वैल्यू प्लेस करना चाहते हो, मतलब इससे प्रीवियस, इस एनएएन से प्रीवियस वैल्यू 19 है, 14 है, इस एनएएन से प्रीवियस वैल्यू आपकी 23 है, अगर आप ये प्लेस करना चाहते हो, देन यू कैन यूज द कमांड डी एफ, एंड बिकॉज वो चेंज हो जाएगा, सो आई विल डू वन थिंग, आई विल यूज डी एफ वन एंड आई विल जस्ट यूज डी एफ टू स्टोर एवरीथिंग ऑफ द डी एफ इन डी एफ वन, एंड इफ आई नाउ शो यू डी एफ वन, ओके नाउ डी एफ वन इज देयर, फाइन. सो मैं डी एफ वन में चेंज करूंगा, डी एफ को नहीं चेंज करो. सो इफ आई यूज डी एफ वन डॉट फिल एन ए, एंड फिल एन ए के बाद इफ आई यूज मेथड इज इक्वल टू, एंड अगर मैं वहां लिखता हूं पैड, आई एम नॉट मेकिंग द चेंजेस परमानेंट, तो इक्वल साइन नहीं लगा रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं मेथड इज इक्वल टू पैड, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जिससे कि उससे प्रीवियस रिकॉर्ड के अंदर जो वैल्यू होगी उसी के ऊपर एग्जैक्टली तो वो वैल्यू वहां पे फिल हो जाएगी. ठीक है, सो नाउ इफ आई प्रेस एंटर यू कैन सी यहां पे एनएएन था, यहां पे एनएएन था, यहां एनएएन था और यहां एनएएन था. नाउ ऊपर वाली जो वैल्यू है एज इट इज कॉपी हो गई नीचे वाले वैल्यूज में. ठीक है, आई जस्ट शो इट टू यू अगेन, आई जस्ट क्लियर माई स्क्रीन, एंड इफ आई जस्ट गो बैक, यहां पे एनएएन है उसके ऊपर 14 है, इधर एनएएन है उसके ऊपर 19 है, इधर एनएएन है उसमें 23 है, तो मैथ साइंस और इंग्लिश रमन के. ओके, इफ यू कम बैक हियर, रमन मैथ्स के मार्क्स अब 14 हो गए, यूटी 4 में अगर हम डिसाइड करते हैं कि उसके जो यूटी 3 में मार्क्स थे वही यूटी 4 में एज इट इज कॉपी हो जाए, देन वी कैन डू दैट बाई यूजिंग मैथड इज इक्वल टू पैड. बट बिकॉज आई हैव नॉट मेड द चेंजेस परमानेंट, सो इफ आई जस्ट शो यू डी एफ वन, अगर मैं चाहता हूं कि जो बाद वाले नंबर हैं, अभी तो वैसे ये किसी और स्टूडेंट के नंबर है, फिर भी अगर इफ आई वॉन्ट, अगर मान लो यूटी 2 में एबसेंट होता है तो मैं चाहता कि यूटी 2 यूटी 3 में जो मार्क्स है वो यूटी 2 में कॉपी हो जाए, देन अगर आप बाद वाले नंबर्स कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, सो ये बाद वाले नंबर्स हैं, मतलब उसके नेक्स्ट रो के नंबर्स हैं, इफ यू वॉन्ट द नेक्स्ट रो नंबर्स टू बी कॉपीड टू द एनएएन वैल्यूज, देन इन दैट केस यू कैन राइट समथिंग लाइक डी एफ वन डॉट फिल एन ए, देन मैथड इज इक्वल टू, yeah, I'll just check the method that we can use here. Once again, it just slipped off my mind.
या इट इज बी फिल. सो इफ यू यूज मैथड इज इक्वल टू बी फिल. सो इफ यू यूज मैथड इज इक्वल टू एंड सिंगल कोट्स में इफ यू राइट बी फिल तो दैट मीन्स द नेक्स्ट सॉरी सिंगल कोट क्लोज देन द नेक्स्ट वैल्यू विल बी कॉपीड टू द एनियन प्लेस. So if I now press enter, it is not being made permanent because I have not used an equal sign. So now if you see, नीचे वाली लाइन में 20 था, तो NaN वाली लाइन में भी 20 हो गया. यहाँ 17 था नीचे वाली लाइन में, तो यहाँ पे भी 17 हो गया. यहाँ 19 था, तो यहाँ पे भी आपका 19 हो गया. So this is how your fill NA works. So we have used three functions to work with any of the missing values. The first function is isNull to check whether it is missing or not. इस नल के साथ में आप एनी यूज कर सकते हो, आप सम यूज कर सकते हो. ओके, देन टू ड्रॉप द एंटायर रिकॉर्ड जहां पे एनए वैल्यूज हैं, यू कैन यूज ड्रॉप एनए. ओके, एंड देन इफ यू वांट टू प्लेस एनी वैल्यू इंस्टेड ऑफ दैट एनए, यू कैन यूज फिल एनए और पैरेंथेसिस में यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू. बट इफ यू यूज मेथड इज इक्वल टू पैड, तो पहली वाली जो वैल्यू है उससे पहली वाली वो कॉपी हो जाएगी एनएन में. एंड इफ यू यूज मेथड इज इक्वल टू बी फिल देन द जो उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो एनएन के प्लेस में कॉपी हो जाएगी. सो दीज आर डिफरेंट वेज टू वर्क विद द मिसिंग वैल्यूज. सो आई होप यू आर थ्रू विद हाउ वी कैन वर्क विद द मिसिंग वैल्यूज. या थैंक यू. सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी वर्किंग ऑन द विजुअलाइजेशन इन योर पाइथन. या थैंक यू सो मच.